जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीके पे। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फुल फॉर्म जीके का है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग फुल फॉर्म जीके को देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकॉन दिखेगा, घंटी का आइकॉन, उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे फुल फॉर्म की, तो देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है साथियों, पैन, पैन कार्ड आप लोग सभी बनाते हैं ना, PAN, पैन, पैन कार्ड जो होता है साथियों, पैन का फुल फॉर्म यहां आपसे पूछ लिया है, फुल फॉर्म ऑफ पैन। तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो साथियों होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, स्थायी खाता संख्या, याद रखिएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, पी फॉर परमानेंट, ए फॉर अकाउंट और एन फॉर नंबर, ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ पिन, ये तो हो गया पेन। अब पिन का, पिन नंबर जो हम लोग कोई भी बोलते हैं कि पिन क्या है, तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, पी फॉर पर्सनल, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन और एन फॉर नंबर, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म होता है। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ DSLR। आजकल DSLR ये जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा चर्चित है साथियों, DSLR कैमरा के लिए ये जो है प्रयुक्त होता है साथियों। तो DSLR का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा डिजिटल सिग्नल लेंस रिफ्लेक्स, याद रखिएगा डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सिग्नल, एल फॉर लेंस और आर फॉर रिफ्लेक्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट, ये नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेफ्ट एक प्रकार का मनी ट्रांसफर करने की विधि है, ये एक विधि है साथियों जिससे बैंकों में पैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ USB, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, USB आप लोग जानते हैं USB क्या होता है, ये एक साथियों पेन ड्राइव या कोई भी एडेप्टर को जब हम लैपटॉप या PC में डालते हैं तो जहां पर वो प्लग इनपुट होता है उसको USB बोलते हैं, उस पोर्टल को, उस पॉइंट को, ठीक है। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है, U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल, B फॉर बस, ठीक है। आगे देखेंगे तो साथियों GIF, ये एक प्रकार का इमेज होता है साथियों, फोटो जो थोड़ा सा हिलता डुलता इमेज होता है उसको GIF बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे देखेंगे NDTV एक न्यूज चैनल है साथियों, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है NDTV का, तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न, देखो ND से न्यू दिल्ली और TV से टेलीविज़न, न्यू दिल्ली टेलीविज़न, सिंपल ही है, याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों तो देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ PNG, PNG भी एक फ़ोटो इमेज का फॉर्मेट होता है, जो भी फ़ोटो हमारे गैलरी में होता है या हम जो भी फ़ोटो क्रोम वगैरह गूगल से डाउनलोड करते हैं वो PNG फॉर्मेट में ही होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क, है ना, पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क, याद रखिएगा। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ IFSC, ये IFSC एक कोड होता है, बैंक में इसका प्रयोग होता है, जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वहाँ पर अकाउंट नंबर के साथ साथ आपसे IFSC कोड भी मांगा जाता है, और इस IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्या होता है साथियों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये एक बैंक के ब्रांच का एक कोड होता है। मान लेते हैं कोई भी SBI न्यू दिल्ली ब्रांच हो, ठीक है, मुंबई ब्रांच हो, तो उसका हर एक ब्रांच का
अलग एक आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एचडीएफसी, साथियों एचडीएफसी एक बैंक है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे देखेंगे तो देखिएगा सभी साथी फुल फॉर्म ऑफ पुलिस। चलिए पुलिस सभी जानते हैं कि पुलिस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ये याद रखिएगा। और आज आप अपने दो दोस्तों को जरूर पूछिएगा आज आप ये कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, अपने दो दोस्तों को जरूर पूछिएगा। पुलिस का फुल फॉर्म होता है साथियों पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। क्या होता है? पी फॉर पब्लिक, ओ फॉर ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर फॉर, एल फॉर लीगल, ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सी फॉर क्रिमिनल और ई फॉर इमरजेंसीज। यानी क्या होता है साथियों, पुलिस का फुल फॉर्म पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ गूगल, साथियों गूगल में हम डेली कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, ये गूगल का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है, तो गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है सभी साथी देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, याद रखना सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन साथियों, तो फुल फॉर्म ऑफ LTE, देखिए जब 4G आया था तो वोल्टी के पहले LTE आया था, LTE। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है LTE का, तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, याद रखिएगा सभी साथी साथियों, ठीक है। साथियों प्लीज सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, तो साथियों वोइटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी साथी देखिएगा, ठीक है। तो वॉइस ओवर टर्म एवोल्यूशन, याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी साथी, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ ओबीसी, ओबीसी साथियों, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है साथियों, ये भी कैटेगरी से रिलेटेड है कि SC का फुल फॉर्म क्या होता है, SC का फुल फॉर्म होता है साथियों शेड्यूल्ड कास्ट, यानी हरिजन जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों ST का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी आदिवासी जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति, और ये शेड्यूल्ड कास्ट का होता है अनुसूचित जाति, ठीक है। सिडवल SC का होता है अनुसूचित जाति और ST का होता है अनुसूचित जनजाति। चलिए आगे देखते हैं, तो फुल फॉर्म ऑफ MBBS, जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसके लिए MBBS की पढ़ाई करना पड़ता है, और इस MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों देखिएगा MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। M4, देखिएगा साथियों यहाँ पर M4 नहीं, आपको यहाँ पर डायरेक्टली यही याद रखना है, बैचलर फॉर मेडिसिन एंड बैचलर फॉर सर्जरी, ठीक है, बैचलर फॉर मेडिसिन एंड बैचलर फॉर सर्जरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, नासा, साथियों नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला, फुल फॉर्म ऑफ रिप, जब कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो साथियों हम बोलते हैं रिप। आप लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में जब कोई भी आप देखते हैं कि कोई किसी का देहांत हो गया है, किसी का मृत्यु हो गया है, तो आप लोग लिख देते हैं RIP, रिप।
अब इसका मतलब जो है ना, जो लिखते हैं ना RIP, वहां पर 75% लोग नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बस देखा देखी कमेंट कर देते हैं। अब रिप का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस, ओम शांति। ठीक है, याद रखिएगा रेस्ट इन पीस साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, तो कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है, देखिएगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, याद रखिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ IS, देखिएगा IS जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, IS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक, अब फुल फॉर्म फॉर UPSC, UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, तो UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं। आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ COVID-19, साथियों COVID-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो COVID-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, याद रखना सभी साथी। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ ED, ED का फुल फॉर्म क्या होता है, ED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों ED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, याद रखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी निर्देशक। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ CBI साथियों, CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। फुल फॉर्म ऑफ PUBG, साथियों PUBG एक गेम है, PUBG क्या है, तो PUBG एक गेम है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी साथी देखिएगा प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। ठीक है, ये PUBG का फुल फॉर्म होता है, आप में से कई साथी PUBG खेलते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे देखेंगे अगला क्या है, तो देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ SPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, एक प्रकार का गार्ड होता है साथियों, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। चलिएगा आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय संबंधी रोगों की जांच के लिए ECG कराया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ CCTV, अब CCTV कैमरा होता है साथियों, गुप्त रूप से लगा हुआ कैमरा CCTV, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, याद रखना सभी साथी। फुल फॉर्म ऑफ NSG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, याद रखिएगा सभी साथी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना। आगे देखेंगे तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए सभी साथी वाईफाई तो जानते ही हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, तो देखिएगा सभी साथी वायरलेस फिडेलिटी, क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, अच्छा देखिएगा PNR, जब आप रेलवे में टिकट बुकिंग कराते हैं साथियों, रेलवे में जब आप टिकट बुकिंग कराते हैं तो आपको एक PNR नंबर दिया जाता है, इस नंबर को डाल के आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसी से पता चलता है कि आपका टिकट कंफर्म है या वेटिंग में है। तो PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ सिम कार्ड, सभी के पास है एयरटेल वोडाफोन जियो, तो सिम का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे देखेंगे CDR, फुल फॉर्म ऑफ CDR, CDR का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है, तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जो कॉल हम करते हैं ना उसका डिटेल रिकॉर्ड, उसको हम बोलते हैं CDR, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। आगे देखेंगे
फुल फॉर्म ऑफ रडार। साथियों रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने, जो एविएशन में प्रयुक्त होता है। रडार का प्रयोग करके वायुयान के बारे में, उसके समय, दूरी, चाल, गति सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। चलिएगा आगे देखेंगे तो फुल फॉर्म ऑफ डीपी, डीपी जो होता है ना, सभी बोलते हैं कि भाई अपना डीपी चेंज कर लो, अपना फेसबुक का डीपी चेंज कर लो, व्हाट्सएप का डीपी चेंज कर लो, इंस्टाग्राम का डीपी चेंज कर लो, लेकिन इस डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, डिस्प्ले पिक्चर। क्या होता है? डिस्प्ले पिक्चर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। साथियों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। भाई जब कोई बच्चा गुम हो जाता है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए डीएनए का प्रयोग करते हैं कि इसके बच्चे का पिता कौन है। तो इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे देखेंगे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है साथियों केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे। चलिए आराम से याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआरसी एरिया, ये एनआरसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आगे देखेंगे साथियों फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है शेयर बाजार में सेंसेटिव इंडेक्स। क्या होता है? सेंसेटिव इंडेक्स। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ URL। अब URL क्या होता है? जब कोई भी चीज़ हम क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में जब हम कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो उससे पहले URL होता है। इस URL का फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों तो IRCTC, देखिए जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो अगर कोई ऑर्डर करते हैं कोई भी खाना तो वहाँ पर लोगो रहता है, आपको लिखा हुआ दिखता है IRCTC। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ निफ्टी। अब निफ्टी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल 50, याद रखिएगा नेशनल 50। सिंपल सा क्वेश्चन है, निफ्टी से 50 याद रखना, एन फॉर नेशनल, 50 है ना, नेशनल 50। आगे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ जियो। अब जियो देखिएगा, आप में से लगभग 90% स्टूडेंट्स जियो यूज कर रहे हैं। अब जियो का फुल फॉर्म क्या होता है ये करीब 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि जियो का भी फुल फॉर्म है। अब जियो का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला तो फुल फॉर्म ऑफ LPG। LPG का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा साथियों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए आज के बाद याद रखना। आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BIT। BIT का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बीट, इसको बोलते हैं हम बीट। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी यूनिट। क्या होता है? बाइनरी यूनिट, यानी द्विआधारी इकाई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो साथियों देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ GB। GB का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको 1.5 GB डेटा डेली मिलता है ना, डेली यूज करते हैं GB MB KB। तो GB का फुल फॉर्म क्या होता है? GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। TB का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट, याद रखना साथियों।
केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, केबी का, तो केबी का होता है किलोबाइट्स, है ना, किलोबाइट। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर बता दीजिए साथियों कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए हमने जान लिया जीबी का गीगाबाइट, टीबी का टेराबाइट, केबी का किलोबाइट। बताना सभी साथी कमेंट करके भाई एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए सभी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथियों ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना, अपने सभी दोस्तों के साथ स्नेहपूर्वक सच्चे मन से शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो पहुँचे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि हम इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक वाले वीडियोज़ आप लोग के लिए डेली रेगुलरली अपलोड करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नए साथी अगर